भाई और बहनों, आज मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बनकर उभर रहा है। यहां इंदौर में ही सुपर कॉरिडोर सहित आईटी पार्क और बिजनेस पार्क है। करीब 5000 छोटे बड़े उद्योग चल रहे हैं। आज भारत ऑटो, रेल कोच, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तरक्की कर रहा है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के दूसरे नंबर के देश हो गए हैं। आप सभी को याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक नामदार यहां आकर कह गए थे कि मेक इन इंदौर और मेक इन मंदसौर मोबाइल फोन बनाऊंगा। ऐसा कहा था ना? कहा था कि नहीं कहा था? इंदौर वाले भूल जाते हैं। कहा था? किसने कहा था? लेकिन इतना गाजे बाजे से कहा और यहां के मीडिया ने बहुत आन बान शान से छापा भी, जरा विशेष कृपा रहती है उन पर। लेकिन कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में ये वादा को भुला दिया गया है, उल्लेख तक नहीं है, कोई अखबार वाला लिखेगा नहीं। क्योंकि सरकार बदल गई है ना। खैर, कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। उनका तो अहंकार तीन शब्दों में प्रकट होता है, तीन शब्दों में। ये तीन शब्द कांग्रेस के अहंकार की पहचान है। ये तीन शब्द कांग्रेस देश के लोगों की तरफ कैसे देखती है उसका जीता जागता सबूत है। ये तीन शब्द ये ऐसे शब्द हैं कि जिसको सुनने के बाद हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस को और उसके महामिलावटी साथियों को एक दिन भी सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। ये तीन शब्द कौन से हैं? कौन से हैं? कौन से हैं? कौन से हैं? पहले तो इंदौर वालों को सलाम, क्योंकि आपको मालूम है आप जागरूक है। अभी नामदार के गुरु ने और ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी की सोच बोल रही है। और क्या बोला? हुआ तो हुआ। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होना था। किसानों के घर आज पुलिस आ रही है। बैंक किसानों को कर्ज नहीं दे रहे और ये कहते हैं हुआ, ये कहते हैं, पूरी ताकत से बोला उनको सुनाई दे, ये कहते हैं और इंदौर की जनता कहती है इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है कि बिजली के बिल के बजाय बिजली की सप्लाई हाफ क्यों हुई। कांग्रेस कहते हैं
कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं, यहां का कर्मचारी पूछ रहा है कि बेवजह मेरा ट्रांसफर क्यों हुआ। ये कहते हैं इतना अहंकार इनमें भरा हुआ है कि ये सोचते हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे और लोग मान लेंगे। कांग्रेस वाले समझ लो, ये 20वीं शताब्दी नहीं है, ये 21वीं शताब्दी है। 4 साल का बच्चा भी जानता है आप कौन हो।